हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला, आपका स्वागत है मेरी चैनल किचन कार्निवल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कच्ची हल्दी का दूध। ये बहुत ही हेल्दी होता है, सर्दियों की मौसम चालू हो गई है और यह कच्ची हल्दी जो है यह विंटर सीजन में ही मिलती है। तो यह कच्ची हल्दी का बहुत लोग अचार भी बनाते हैं, तो हम इसे दूध में यूज़ करेंगे। और फ्रेश हल्दी का दूध तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुणकारी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। फ्रेश हल्दी का दूध बनाने के लिए यहाँ पे जो कच्ची हल्दी ऐसे मिलती है वो मैंने ले ली है। अब इसको अच्छे से छील लेंगे। आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है वह हिसाब से इसको लेंगे। यहाँ पे मैं 2 गिलास बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है। अब इसको जो चीज़ ग्रेट करने की जो छलनी आती है उसमें अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में पीस के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब यह कद्दूकस करके तैयार हो गया है। अब हल्दी वाला दूध बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास दूध ले रही हूँ। अब इसमें जो कच्ची हल्दी हमने कद्दूकस की हुई है वह इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, यह मैंने चुटकी भर ही लिया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम यूज़ करें, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लें। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें एक उबाल आ जाना चाहिए। यह देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। पहले इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और बाद में इसे स्लो गैस पे पकाना है। यह देखिए, कुछ ही मिनटों बाद इसका कलर एकदम अच्छा बैठ गया है इसमें, और कलर बहुत ही अच्छा आया है और टेस्ट भी इसमें एकदम अच्छा आ रहा है। अब यह हमारा दूध बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम एक ग्लास में छलनी से अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की है तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, और सर्दियों के मौसम में आप इसे रोज़ ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हनी यानी शहद। यहाँ पे मैं 1 चम्मच शहद डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शहद इसमें घुल जाए तब तक हमें इसे मिक्स करना है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।